नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूँ करिश्मा कौशिक और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करिश्मा कौशिक के नाम से। आज हम बात करेंगे दीपावली पर कमल का बहुत अधिक महत्व होता है। अब देखिए, कमल का महत्व तो अगर देखा जाए तो हर एक चीज में होता है। चाहे आप माता लक्ष्मी की पूजा आराधना कर रहे हैं, चाहे आप किसी अन्य देवी की पूजा आराधना कर रहे हैं, चाहे आप माँ सरस्वती की पूजा आराधना कर रहे हैं, कमल एक ऐसी चीज है जिसको आप अगर अपने घर में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं खूबसूरती तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके घर की नेगेटिविटी भी हटा देता है। और कमल को यानी लोटस को जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। तो माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन यानी दीपावली पूजन पे कमल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अगर हम हीलिंग्स में या मेडिटेशन में देखें तो वहाँ पर भी कमल का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कमल की पंखुड़ियों के अनुसार यानी कमल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके नंबर जो होते हैं, जैसे अष्टदल कमल होता है यानी 8 पंखुड़ियों वाला, इसके साथ साथ 3 पंखुड़ियों वाला, 4 पंखुड़ियों वाला, तो अलग अलग कमल के अलग अलग महत्व होते हैं। इसी तरह से रंगों का भी अपना महत्व है। तो गुलाबी रंग का यानी पिंक कलर का अगर आप लोटस अपने घर में दीपावली पर लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके घर में प्रोस्पैरिटी को बढ़ा देता है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो धन से संबंधित अगर कोई भी परेशानी है, आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं है, तो ये भी आपको सुधार दिलाता है। इसके अलावा अगर आप व्हाइट कलर का लोटस लेकर के आते हैं अपने घर में तो कहीं ना कहीं ये आपके घर में पीस को लेकर के आता है। यानी अगर देखा जाए आप हीलिंग्स में हैं या मेडिटेशन में हैं, और इसके अलावा अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है, गृह कलेश बहुत अधिक रहता है, तो व्हाइट कलर का लोटस लाना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं ना कहीं ये जो लोटस है ये आपके जीवन में एक तरह से पीस लेकर के आएगा, शांति लेकर आएगा, खुशहाली लेकर के आएगा। वहीं पे अगर देखा जाए तो शो पीस के तौर पे क्रिस्टल के लोटस बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर देखा जाए तो ये लोटस, चाहे आप इनको शो पीस के तौर पे रखें, चाहे आप इनको एक तरह से अपने पूजा के स्थान पे रखें, इनका एक अपना ही प्रभाव होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हीलिंग्स में हमारी हेल्प करते हैं, मगर जो ये क्रिस्टल वाले लोटस होते हैं तो कहीं ना कहीं जो इनके अंदर कटिंग्स होती हैं, क्रिस्टल में जो कटिंग्स होती हैं, ये जो यूनिवर्स से कनेक्ट हम इनको करते हैं, एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं, ये इसको दुगना कर देती हैं। और इसके साथ साथ जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो आपके घर में रिफ्लेक्ट करती है। तो इसीलिए क्रिस्टल का लोटस आप दीपावली पर जरूर लेकर के आएं, दीपावली पूजन पे इसको माँ लक्ष्मी के पास रखें और उसके बाद अपने घर में इसको जरूर सजाएं। ऐसे स्थान पे सजाएं अपने लिविंग एरिया में जहां पर ये अपनी जो इसकी रेज है, जो इसकी पावर है, जो इसकी पॉजिटिविटी है, वो पूरे एरिया में बिखेरता रहे। इसको आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, इसके साथ साथ नॉर्थ डायरेक्शन में भी इसको आप रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, प्रोस्पैरिटी आएगी, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। इसके अलावा माता लक्ष्मी को गुलाबी रंग का यानी पिंक कलर का लोटस जो है वो जरूर अर्पित करें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। और भी ऐसी खास बातें लेकर के आऊंगी मैं केवल अपने YouTube चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरा YouTube चैनल करिश्मा कौशिक के नाम से। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।